सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यही कारण है कि अप्रैल माह के 20 दिनों में जिला सोलन में कोरोना के 2500 केस सामने आ चुके हैं। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में लोग कोरोना टेस्टिंग के दौरान एक दूसरे के साथ सटकर कतारों में खड़े हैं। 2 गज की दूरी तो यहाँ बेईमानी लग रही है। इसके साथ ही पर्ची बनाने का काउंटर भी है, वहाँ पर लंबी कतारें लगी हैं। वह इसी स्थान पर दवाइयाँ भी मरीजों को मिलती हैं। जहाँ पर भी रश देखा जाता है, एक ही स्थान पर इतना सब कुछ होना व ऊपर से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाना अस्पताल प्रशासन की कोरोना से निपटने की व्यवस्था की पोल खोल रहा है। बहरहाल सूबे के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल के अपने गृह जिला का है। कोरोना पर लगाम लगेगी कैसे, जब शासन प्रशासन सहित आम जनता कोरोना नियमों की अवहेलना होने पर भी मूकदर्शक बन जाती हैं। बात करते हुए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर श्याम लाल वर्मा ने बताया कि वह व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार प्रशासन कोरोना को रोकने के लिए चाहे कितने लंबे चौड़े दावे करें, लेकिन हकीकत यह है कि कोरोना के 1 साल बाद भी व्यवस्था जस की तस है। सहज समझा जा सकता है, जहां पर दर्जनों लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, वही सारी की सारी भीड़ को कोरोना संक्रमित कर देंगे। अब तो ये बात बच्चा बच्चा समझ गया होगा, लेकिन सोलन का स्वास्थ्य विभाग नहीं समझ पाया। ठीक बोल रहे हैं आप, क्योंकि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हमारी है, चलती है, और साथ में जो है ना वहाँ पर जो है ना रैपिड एंटीजन का टेस्ट भी साथ में एक कंपार्टमेंट बना रखा है। ये मेरे आने से पहले ही ऐसी व्यवस्था चली थी यहाँ पे। इसको मैंने आज से या कल से ही थोड़ा सुधारने की कोशिश करी है। आज सुबह ही मैंने वहाँ पर ओपीडी में जाके डायरेक्शन दे दी है, और साथ में जो वहाँ डॉक्टर बैठते हैं उनके पीछे ओपीडी में, उनको बता दिया गया है कि आज से ये ओपीडी आपकी फुल ओपीडी चलेगी। फुल ओपीडी का मतलब ये है कि जो भी मरीज जो वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं लोग, उनको पूछेंगे वो हर एक मरीज़ से कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कि आपको खांसी है, जुकाम है, आपको सांस लेने में दिक्कत है, तो आप पूरे हॉस्पिटल में ना घूम के सीधे आप साथ वाली ओपीडी में जाएंगे, जो कि बिल्कुल उनके रजिस्ट्रेशन के बैक साइड में है। हॉस्पिटल में पेशेंट पूरा नहीं घूम के सीधा उधर ओपीडी में जाएगा, डॉक्टर उनको देखेगा, असेस करेगा, उनको लगेगा कि हाँ इसमें सिम्टम लग रहे हैं कोरोना के, तो ये पेशेंट सीधा वो जाना टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। तो पूरा हॉस्पिटल में ना घूम के वो पेशेंट सीधा आपका टेस्टिंग में चला जाएगा और वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर जाएगा। जब उसका रिपोर्ट आएगी, उसको रिपोर्ट कन्वे कर दी जाएगी मैसेज के थ्रू, SMS के थ्रू कर दी जाती है, और इससे बहुत ज़्यादा बचाव हॉस्पिटल में उन लोगों का होगा जो नॉर्मल हैं, जो लोग भीड़ में थोड़ा बैठे रहते हैं, अपनी वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। डिस्टेंसिंग हमने इंश्योर कर रखी है, हमारे जो होम गार्ड्स हैं, हमारे जो अपना स्टाफ है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बार बार बताता रहता है। PLTV के लिए सोलन से अमरप्रीत की रिपोर्ट।